अध्याय दो बहुपद प्रश्नावली 2.2। पिछले वीडियो में हमने बहुपदों के शून्य और शून्यकों के तथा गुणांकों के बीच संबंध को देखा था। संबंध क्या होते हैं उनके मध्य, अब इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको आज सॉल्व करेंगे। जैसे एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। जैसे व्यापक रूप का समीकरण होता है, व्यापक रूप, सॉरी, व्यापक रूप का जो बहुपद है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे माना इस बहुपद के जो शून्यक हैं, माना बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हैं, क्योंकि द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद में दो ही शून्यक प्राप्त होंगे जो कि यहाँ पे अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं। अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं, तो हमें शून्यकों तथा ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए और एक्स का गुणांक बी और ये अचर पद सी है उनके बीच संबंध ज्ञात करना है। तो शून्यांकों तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, इसके बीच संबंध होता है। पहला संबंध होता है जो शून्यकों होते हैं उनका योग, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, एक्स का गुणांक है बी, तो यहाँ पे माइनस बी बटे ए। ये पहला संबंध होता है। और इसी प्रकार दूसरा संबंध शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यक है हमारे यहाँ पे अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद है सी और एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए। इस प्रकार ये दो संबंध प्राप्त होते हैं। पहला संबंध मूलों का योगफल और दूसरा संबंध होता है मूल्य के गुणनफल के संबंध में, मूल या शून्यक कुछ भी कह सकते हैं। इसी प्रकार ये शून्यक और जो बहुपद है उनके गुणांकों के बीच संबंध। अब एक और महत्वपूर्ण चीज आती है कि अगर शून्यक दिए हों तो हम द्विघात बहुपद कैसे प्राप्त करें। शून्यक जब दिए हों, शून्यकों द्वारा द्विघात बहुपद प्राप्त करना। तो शून्यकों द्वारा द्विघात बहुपद कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ पे शून्यकों द्वारा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर
हमने माना है अल्फा और बीटा ही शून्य थे। अल्फा और बीटा शून्यकों द्वारा द्विघात बहुपद को, तो यहाँ पे होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको हम जांच भी कर सकते हैं इस संबंध के द्वारा, जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर है सी बाई ए। अगर इसको यहाँ पे मान रख दें तो ये हमें यही वाला समीकरण प्राप्त हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि ये जो शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध था इसी समीकरण सॉरी बहुपद के लिए था, तो यही द्विघात बहुपद हमें इसमें मान रखने पर जो हो प्राप्त होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्राप्त होगा। अब इसी इन्हीं दो तथ्यों के आधार पर प्रश्नावली 2.2 पूरी की पूरी हल हो जाएगी। तो कुछ प्रश्न हल करते हैं। यहाँ तो प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न है, पहला निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, इसको हल करते हैं, पहले शून्यक ज्ञात करते हैं इसके, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, ये द्विघात बहुपद दिया गया है, इसके शून्य ज्ञात करने, शून्य निकालने का एक अच्छा सा ट्रिक जो होता है, ये जो एक्स स्क्वायर पहले इसको इसी क्रम में लिखते हैं, पहले एक्स के घात अधिक घात वाला, एक्स के कम घात, फिर बिना एक्स वाला, जैसे एक्स स्क्वायर के एक्स के घात पे यहाँ पे दो, फिर यहाँ पे एक्स के घात पे एक, यहाँ पे एक्स के घात पे जीरो, इसी प्रकार से व्यवस्थित करने के बाद एक्स स्क्वायर और अचर पद का गुणा करते हैं, तो यहाँ पे गुणा करने पे प्राप्त होगा माइनस आठ एक्स स्क्वायर, माइनस आठ एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स बी मध्य पद में है तो एक्स को नगण्य मान सकते हैं, तो यहाँ पे बचा आठ माइनस आठ। अब माइनस आठ का गुणनखंड करना होगा और गुणनखंड के मध्य जैसे अगर चार और दो ले ले तो चार दूना आठ होगा और चार माइनस दो दो होगा, इसी प्रकार से हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे चार और दो, इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे माइनस चार एक्स प्लस दो एक्स माइनस आठ, एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस दो एक्स माइनस आठ। इस प्रकार से अगर हम पहले वाले बहुपद और दूसरे वाले बहुपद में देखें तो माइनस चार और प्लस चार माइनस दो आ जाएगा, तो हमारे बहुपद में कोई भिन्नता नहीं आई, इस प्रकार से मध्य पद को तोड़ते हैं। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे x, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस चार प्लस दो कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस चार, फिर इन दोनों में x माइनस चार कॉमन है तो x माइनस चार कॉमन कर लिए, फिर बचा x प्लस दो, इस प्रकार हमारा गुणनखंड हो गया। अब हमें इसका शून्य ज्ञात करना है तो शून्य के बराबर करना होगा, तो यहाँ पे x माइनस चार बराबर जीरो, तब x बराबर चार, पुनः x प्लस दो बराबर जीरो, तो x बराबर माइनस दो, इस प्रकार इस बहुपद के दो शून्य प्राप्त हुए प्लस चार और माइनस दो, ये इस बहुपद के शून्य हो गए। प्रश्न में हमें शून्य ज्ञात करने को कहा था और शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य जांच की सत्यता सॉरी सत्यता की जांच करनी थी, तो पहले तो मान लेते हैं ये अल्फा है और ये बीटा है, अल्फा बराबर चार और बीटा बराबर माइनस चार, तो हमारे मूल समीकरण के रूप में आ जाएगा, जैसे पहला हमारा संबंध था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पे अल्फा का मान है चार प्लस बीटा का मान है माइनस दो, फिर बी का मान है यहाँ पे
अगर इसकी मानक समीकरण से तुलना करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करें तो यहाँ पे a का मान आ जाएगा एक, b का मान आ जाएगा -2 और c का मान आ जाएगा -8। इस प्रकार से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मूल समीकरण की तुलना करेंगे तो हमें a, b और c का मान पता चल जाएगा। अब a, b, c का मान हमें सिर्फ जो संबंध है उसमें रखना है, तो यहाँ पे b का मान है -2 बटे a का मान है 1, तो 4 में से 2 जाएगा 2, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस 2। इस प्रकार ये सत्यता की जांच इसी प्रकार से करेंगे, दोनों पक्ष बराबर हो गए। अब दूसरा जो है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, अल्फा का मान है 4, बीटा का मान है -2 बराबर सी का मान है -8 और ए का मान है 1, 4 × 8 -8 बराबर -8। इस प्रकार ये भी दोनों पक्ष बराबर होगा, यही सत्यता की जांच है। इसी प्रकार से पहले प्रश्न के हम सभी प्रश्न हल कर लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इसी प्रकार से। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई हैं। तो दूसरा प्रश्न हल करेंगे अब, जैसे दूसरे का पहला प्रश्न है शून्यकों के योग तथा गुणनफल दिए गए हैं, पहले का है 1/4 और -1, शून्यकों का योग दिया गया है 1/4, शून्यकों का योग 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 1। इससे हमें द्विघात समीकरण को ज्ञात करना है, तो शून्यकों का योग माना, मानते हैं माना बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है, माना बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है, तब शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -1। अब हमें इससे बहुपद को ज्ञात करना है, तो इससे अभी फार्मूला मैंने बताया, बहुपद बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस प्रकार का बहुपद होता है। तो यहाँ पे मान रख देंगे सीधे सीधे, केवल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -1। इस प्रकार यह हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। अगर इसमें थोड़ा चेंजेस करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4/4, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। 4 का यहाँ लसर लेके दोनों पक्ष में गुणा कर दिए तो ये हमें 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4/4 ये प्राप्त हुआ। अगर इसको सरल भाषा में लिखे तो इस 4 को जब हम द्विघात बहुपद हैं, हम द्विघात समीकरण में हैं, तो द्विघात समीकरण में इसे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4/0, 4 का गुणा 0 में कर देंगे तो यह एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा, द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा, द्विघात बहुपद इसी प्रकार का रहेगा। इस प्रकार प्रश्नावली 2.2 हल कर लेंगे।